आज की इस वीडियो के अंदर गाइस आपको दिखाएंगे 85,000 रुपीस का गेमिंग साथ साथ में एडिटिंग पीसी बिल्ड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। काफी जबरदस्त हम लोगों ने यहां पर यूज करे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा हमारे विराल भाई ने, जो कि रहने वाले हैं गुजरात के। 85,000 का वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बाकी एग्जैक्ट प्राइसिंग, क्योंकि काफी सारे लोग फिर जाकर के वेबसाइट पे चेकआउट करते हैं कि एक्चुअली में कितने का है। वैसे जब तक वीडियो आती है तो भी थोड़ी बहुत जो है प्राइसिंग ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार नीचे हो जाती है, कई बार थोड़ी सी 1,000 ऊपर भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कब जो है इस वीडियो को देख रहे हो। बाकी इस पीसी के जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो है 87,000 रुपीज़, 86-87 के आसपास में इसकी प्राइसिंग आती है। तो हमने राउंड ऑफ करके 85,000 यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। बाकी पीसी बिल्ड काफी जबरदस्त है, स्पेशली प्रोसेसर इसमें काफी कमाल का यूज करा है, तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखो भाई, आप हमें कॉन्टैक्ट करते थे इस वाले नंबर पे, जो कि था हमारा 7011805001, ठीक है। ये नंबर तो था ही कॉल और व्हाट्सएप के लिए, लेकिन साथ साथ क्या था कि लोगों को ये बिजी आता था नंबर, तो इसलिए हम लोगों ने IVR सिस्टम यहाँ पर लिया है, जिससे कि क्या है कि एक साथ 10, 20, 30, 40 लोग जितने एक साथ फ़ोन मिलाना चाहते हैं वो मिला सकते हैं इस दूसरे वाले नंबर पर, जो कि मैं आपको अब बताऊँगा, जो कि हमारा 9403890290। अगर ऊपर वाला नंबर आपका बिजी आता है 7011 वाला, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मतलब एक जने से बात हो रही होती है तो पीछे से भाई 3-4 कॉल और आती थी, फिर वो बिजी शो करता था, तो अब आप इस नंबर के ऊपर कॉल करें, आप आराम से बात कर सकते हैं। हमारे सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव इन नंबर्स के ऊपर अवेलेबल हैं, आप आराम से कॉल करें और बात करें। लेकिन व्हाट्सएप हमारा 7011 वाले नंबर पर ही है, ठीक है। बाकी ये तो नंबर की बात हो गई, वेबसाइट तो आप सबको पता ही है, काफी कमाल, काफी जबरदस्त, इंडिया की नंबर वन वेबसाइट है हमारी modxcomputers.com। जाकर के पीसी बाय कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्रीमियम पीसी, कस्टम पीसी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंगल कंपोनेंट बाय करना हो तो वो भी जाकर के आप लोग बाय कर सकते हो, तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, जिन का इस पीसी हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा। शुरुआत करते हैं प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। इंटेल की तरफ से उनका कोर i5-13500 प्रोसेसर का यहाँ पर यूज करा, इसलिए मैं कह रहा था कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पीसी बिल्ड काफी बढ़िया है। यहाँ पर भाई साहब आपको इसके अंदर मिलते हैं 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स की ताकत के साथ में सीपीयू यहाँ पर आता है। परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त मिल जाती है, गेमिंग तो बढ़िया कराई देगा साथ साथ में, क्योंकि कोर एंड थ्रेड काउंट काफी बढ़िया मिलता है, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग जैसा कुछ भी काम करते हो तो वहाँ पर ही परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। प्रोसेसर तो काफी जबरदस्त है, लेकिन आपको बता देता हूँ भाई साहब, इसके साथ रिकमेंडेड है 14 कोर का सीपीयू। छोटा मोटा तो है नहीं, तो भैया रिकमेंड करा जाता है कि इसके साथ में एक एयर कूलर, एक लिक्विड कूलर कुछ तो ले ले, एटलीस्ट एक 2,500 वाला जो एयर कूलर होता है वो तो ले ही लो। लेकिन हमारे भाई ने कहा कि हम तो थोड़े तूफानी आदमी, हम तो इसके साथ में जो है स्टॉक कूलर का ही यूज़ करेंगे। वैसे ऐसे काम मत करना, देखो इसमें स्टॉक कूलर का यूज़ करा गया है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो हमारा 12400F होता है, 13400F होता है, वही सोचो भाई इतना हॉट रन करता है स्टॉक कूलर के ऊपर। ऊपर से समर्स अभी फिलहाल वैसे ही चल रही है, तो मतलब क्या ही टेम्परेचर जा रहा होगा इसका। तो अगर ये कुछ भी करेंगे यहाँ पर तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी का लॉस उनको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि भाई साहब प्लीज़, एटलीस्ट जब इतना महंगा 80-85,000 रुपये, 90,000 रुपये तक खर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा और है ना, 2,500 का बस एक एयर कूलर लगा लो, तो एटलीस्ट जितना आप पे कर रहे हो उतनी परफॉर्मेंस तो आपको मिल जाएगी, तो वो चीज़ यहाँ पर रिकमेंडेड रहती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करें यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर MSI की तरफ से काफ़ी सारे पीसी बिल्ड्स के अंदर यूज़ करा है। 2660MA वाईफाई DDR4 मदरबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है, काफ़ी बढ़िया 2660 लाइनअप के अंदर आ जाता है, काफ़ी बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड भी रहता है। VRM सेक्शन उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, वाईफाई ब्लूटूथ आपको दोनों मिल जाता है, एंड DDR4 RAM को यहाँ पर ही सपोर्ट करता है। RAM टोटल इस पीसी बिल्ड में हम लोगों ने 16GB की सिंगल स्टिक का यूज़ करा है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर भाई साहब है वो बाद में एक और 16GB जो है इसके अंदर एड ऑन करेंगे एंड इसको 32GB यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर D50 की सिंगल रैम उन्होंने ली है 16:1, जो कि 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, और वैसे रिकमेंडेड है अगर आपको टोटल 16 ही लगानी है तो 8:2 लगा, वहाँ पर डुअल चैनल का आपको परफॉर्मेंस में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बाद में जो है यहाँ पर डेफिनेटली 32GB करेंगे, तो इसलिए 16 की अभी सिंगल उन्होंने फिलहाल यहाँ पर लगाई है, बाद में जब बजट इंक्रीज हो जाएगा तो बाद में एक और एडिशनल स्टिक यहाँ पर एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, रैम हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। कार्ड के बारे में बात करते हैं तो Inno 3D की तरफ से उनका RTX 3060 का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है,
ट्विन X2 वाला वर्जन, काफी बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड Inno3D की तरफ से आ जाता है एंड ब्रांड भी काफी अच्छा है यार Inno3D। साथ ही साथ में आपको बता देते हैं कि अब 3060 की जो प्राइसिंग है यार वो आपको पता ही होगा काफी डाउन यहाँ पर आ गई है, क्योंकि 4060 लॉन्च हो गया उसी प्राइस के ऊपर, तो उन्होंने 3060 को सस्ता कर दिया यहाँ पर 26,000-28,000 डिपेंडिंग ऑन कौन सा ब्रांड आप यहाँ पर बाय कर रहे हो। ये मेरे हिसाब से शायद 27,000 का आता है यहाँ पर, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो यहाँ पर आपको चीज मिल रही है वो काफी जबरदस्त, 12GB का कार्ड, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया, 2K में आपको गेमिंग कराता है, साथ साथ में एडिटिंग वगैरह कुछ भी करोगे तो भी वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी। i5 13500 पेयर्ड विद दी RTX 3060। स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक SSD का यहाँ पर यूज करा गया है XPG की तरफ से, उनकी S70 ब्लेड 1TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD, विंडोज नेसेसरी ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालने के बाद भी अच्छी खासी स्टोरेज यहाँ पर हमारी बच जाएगी। इस पूरे पीसी बिल्ड के हिसाब से वैसे तो 650W भी हमारी यहाँ पर इनफ रहती, बट स्टिल यहाँ पर 750W का यूज करा गया। एडिशनल बाद में अगर कुछ भी उनको अपग्रेड करना हो तो एटलीस्ट उनको पावर सप्लाई यहाँ पर अपग्रेड नहीं करनी पड़ेगी। PM750D 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आ जाती है, डीपको जैसे एक अच्छे एंड एक रिलायबल ब्रांड की तरफ से आती है एंड जो है रिलायबल भी काफी रहती है और ब्रांड भी काफी बढ़िया रहता है। कैबिनेट के बारे में बात करते हैं, कैबिनेट हमारी यहाँ पर सिंपल सी है, नॉर्मल सी है, जो कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनकी i10। अब ये कैबिनेट जो है बजट में आती है, इसमें खास बात यह है कि 3,500-3,000 रुपए की सिर्फ इसकी प्राइस है। उस हिसाब से आपको 4 प्री इंस्टॉल्ड फैंस इसमें मिलते हैं, 3 फ्रंट में 1 रियर में। अभी जैसे ये रेनबो LED में जैसे सेट है ये ऐसे ही रहते हैं, बट हाँ ये है कि आपको इस प्राइस पॉइंट में मतलब ठीक ठाक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ में सामने आपको मेश मिल जाती है, 4 फैन मिल जाते हैं, तो आपको एयर फ्लो अच्छा मिल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, RGB की उतनी शोशाबाजी आपको नहीं चाहिए, तो आप जो है इस कैबिनेट के साथ में यहाँ पर जा सकते हो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ही चाहिए तो, और आपको बहुत ज़्यादा भी स्पेंड यहाँ पर नहीं करना है और नॉर्मल से अपना सिस्टम बना रहे हो 1,00,000 रुपये तक का, ठीक है। बस तो गाइस यही था हमारे विराल भाई का पीसी बिल्ड 85,000 रुपीस का, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जाने से पहले वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिर से दे देते हैं कि भैया हमारा एक नंबर तो था ही, साथ ही साथ में एक नंबर और हो गया है, अगर आपको वो नंबर बिजी शो करता है तो आप दूसरे वाले नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको दोनों ही नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहे होंगे, एक कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए है। जो नीचे वाला नंबर है हमारा 940 वाला, वो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए 9403890290, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी टाइमिंग्स आपको बताई देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ये टाइमिंग्स है, कॉल कर सकते हो। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड जो हमारा ऑफलाइन स्टोर है नेहरू प्लेस के अंदर उसका एड्रेस, गूगल लोकेशन लिंक सब कुछ आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे करने वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी वर्ल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।